अयोध्या के थाना केंट स्थित शहादतगंज हनुमानगढ़ी में एक युवक ने नशे की हालत में बम होने की फर्जी सूचना दी। सूचना की वजह से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस व बीडीएस टीम ने हनुमानगढ़ी परिसर की तलाशी की। जब कुछ भी नहीं मिलने पर सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल शहादतगंज हनुमानगढ़ी में बम होने की सूचना पर डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा था। इस दौरान यहां पर भंडारा चल रहा था, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकाला गया। पूरे मंदिर की बैरिकेडिंग की गई। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे। डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते ने मंदिर का कोना कोना छान लिया। यहाँ चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। तलाशी व छानबीन के बाद यहाँ पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। मंदिर में बम होने की सूचना पर अगल बगल रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि थाना कैंट शहादतगंज स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में बम होने की सूचना मिली थी। यहां भंडारा चल रहा था, तुरंत यहां बैरिकेडिंग की गई। बीडीएस व डॉग स्क्वाड के द्वारा सर्च अभियान भी किया गया। यहां कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सर्विलांस के माध्यम से फोन करने वाले युवक तक पहुंचकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि नशे की हालत में उसने फर्जी सूचना दी थी। फर्जी सूचना देने वाले का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा। वह कानपुर का रहने वाला है। 2017 में शहादतगंज में अपनी बहन के यहाँ रहता था। अनिल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। पहले एक कॉलर ने सूचना दी कि थाना कैंट क्षेत्र में शहादतगंज एरिया में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर बम रखा हुआ है। डाक सूचना पर तत्काल पुलिस की मौके पर पहुंची। यहां पे भंडारा चल रहा था, तुरंत यहां पे लोगों को इवैक्यूएट कराया गया। बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा थॉरोली मंदिर के अंदर और बाहर सर्च किया गया। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु यहाँ नहीं मिली। सराउंडिंग एरिया भी वाहन इत्यादि चेक किए गए, कोई ऐसी नहीं थी। और विद इन एन आवर जो कॉलर था उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। और जो बात पता चली वो ये तथ्य सामने आया कि वो नशे में था और नशे में उसने फर्जी सूचना दी। उसका नाम अनिल कुमार है, जो ओरिजिनली भी कानपुर का रहने वाला है। 2017 से जनपद योद्धा में अपनी बहन के यहाँ रहता था। वो काफ़ी नशे की हालत में उससे पूछताछ चल रही है। परंतु प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा फर्जी सूचना देने की बात कबूली गई है और नशे की हालत में उसने ये काम किया। इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई का चलती है।